नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ आपकी दोस्त सीमा शर्मा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है बताई देती हूँ। तो आज हम गुलजार साहब की शायरी का वो पन्ना खोलेंगे जिसमें रिश्तों के बारे में बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी शायरी के जरिए रिश्तों की वैल्यू के बारे में बताया है। रिश्ते जो ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, और उन रिश्तों का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, और कौन कौन से दिल के साथ जुड़े रिश्तों के बारे में उन्होंने जैसे जैसे लिखा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज कुछ उनके शायर हैं जो मैं पढ़ूंगी, और उम्मीद ये करूंगी कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और जो भी आपको शायर ज़्यादा बढ़िया लगे, अच्छा लगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके जहन में कोई गुलजार साहब का लिखा हुआ शायर आए तो आप मुझे लिख करके ज़रूर भेजिएगा, मैं वो भी रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और तो आइए शुरू करें आज का वीडियो। तो गुलजार साहब लिखते हैं यूं कि रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं समझो तो खामोशियां भी बोलती हैं, लोग कहते हैं कि समझो तो खामोशियां भी बोलती हैं। मैं अरसे से खामोश हूँ, वो बरसों से बेखबर है। ना जाने कौन सा ऐसा छुपा हुआ रिश्ता है तुमसे, ना जाने ऐसा कौन सा छुपा हुआ रिश्ता है तुमसे। हजारों अपने हैं लेकिन याद सिर्फ तुम ही आते हो। छू ना सकूं आसमां तो ना सही, छू ना सकूं आसमां तो ना सही, दिल को छू जाऊं बस इतनी सी तमन्ना है। कई बार यह जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अगर बात बोल दी जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और अगर दिल में रखी जाए तो इंसान खुद मर जाता है। वो भी तुम्हें याद करेगा, वो भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। तुम अकेले चलने की सोचना भी मत, मैं तुम्हारा वक्त हूँ, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। किसी के साथ टाइम पास के लिए रिश्ता मत रखो, लेकिन रिश्ते के लिए टाइम जरूर रखो। बड़ी अजीब है ये दुनिया, बड़ी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ बोलने से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गुलजार साहब की लिखी ये शायरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक यही कहूँगी कि रिश्तों की कदर कीजिएगा, रिश्तों को बना के रखिएगा। रिश्ते खूबसूरत हैं तो ज़िंदगी अपने आप ही बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें विराट रेडियो के साथ। धन्यवाद।